हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स एंड डेट्स के लड्डू। ड्राई फ्रूट से भरे हुए ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हाई प्रोटीन लड्डू हैं ये, जिन्हें हम आज घर पर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है लगभग आधा बाउल इंस्टेंट ओट्स, 15 से 20 पिस्ते जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 15 से 20 ही बादाम, अखरोट और काजू, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 चम्मच खसखस, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, आधा बाउल लगभग नारियल का चूरा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे खजूर, जिनको मैंने 1 किलो लिया है और इनमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। मैं गैस ऑन कर रही हूँ, गैस पर मैं पैन रख रही हूँ। सबसे पहले मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट करूँगी अच्छे से। इसमें लगभग 5 से 8 मिनट लग जाते हैं। मीडियम गैस पे हमें ओट्स को ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, ओट्स ड्राई रोस्ट होना, कलर आना शुरू हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से। ये देखिए, ओट्स अच्छे से हल्का सा गुलाबी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे अलग एक प्लेट में। अब उसी पैन को मैं दोबारा गैस पे रखा है, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें मैं खसखस डाल रही हूँ, इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। भुनी हुई खसखस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से खसखस भुन गई है। मैं डाल रही हूँ बादाम। एक एक करके मैं बादाम, काजू, अखरोट तीनों चीज़ें डालूंगी थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि एक साथ डालने से पैन ठंडा हो जाता है। हम एक एक करके डालेंगे, जिससे पैन गर्म रहेगा। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करेंगे इस छोटे से घी में। कंटिन्यूस चलाते हुए भून रही हूँ मैं। मैंने इसमें पिस्ता भी डाला है, हल्का सा पिस्ते को भी भूनेंगे। पिस्ते को ज़्यादा नहीं भूनना होता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। नारियल का पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी हल्का सा भूनेंगे। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इन लड्डुओं को। बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिना शुगर के ये इतनी अच्छी स्वीट है। मैं डेट्स डाल रही हूँ। इसके लिए कोशिश करें कि थोड़ी सॉफ्ट डेट्स लेंगे तो ये लड्डू ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इन डेट्स को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ 5 से 10 मिनट तक के लिए गर्म करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि डेट्स सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मैं घुमाते हुए खजूर को सॉफ्ट कर रही हूँ गैस पे ही। देखिए, खजूर अब फूल गई है, अच्छे से गर्म हो रही है।
अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अभी देखिए ये इसमें हम ओट्स डाल रहे हैं, भुना हुआ जो हमने रखा है, इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। बहुत गर्म है खजूर, हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने तक, हल्का सा हाथ लगाने जैसा हो जाए। ये देखिए मैं अब इससे कर रही हूँ, आप चाहें तो कटोरी से भी कर सकते हैं, ऐसे खजूर मैश भी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करके मैंने एक डो बना लिया है, अब इस डो का मैं लड्डू बनाऊंगी। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, मैं एक नॉर्मल साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। आप चाहें तो लड्डू के ऊपर बादाम, काजू या पिस्ता भी लगा सकते हैं। ये देखिए तैयार हैं हमारे ये ओट्स एंड खजूर के लड्डू। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।